नमस्कार मित्रों, TV20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। TV20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। कल दिनांक 1/9/2023 को थाना कोतवाली पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले जिसका नाम जावेद आरजू, पुत्र अनीस अहमद, निवासी साकिन डोमिनपुरा दमाद नगर थाना दक्षिणी टोला है और जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, उसको फर्जी आधार कार्ड बनाते समय तमसा नदी किनारे से पकड़ा गया है और इसके कब्जे से एक अदर लैपटॉप, एक अदर फिंगरप्रिंट स्कैनर व 32 अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग आगामी घोसी विधानसभा के उपचुनाव में होना संभावित था। इसी आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 327/2023 धारा 420, 465, 468, 171F थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जावेद आरजू को जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी जनपद मऊ में फर्जी वोटिंग और फर्जी आधार कार्ड की घटनाएं सामने आई थी। पिछला जो चुनाव सामान्य नगर निकाय का हुआ था, उसमें भी जनपद में 10 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिनमें 3 कोतवाली में, 4 दक्षिण टोला में, 2 मोहम्मदाबाद में और 1 कोपागंज में पंजीकृत किया गया था। इन 10 अभियोगों में 36 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई थी और पुलिस की ऐसे लोगों पर सख्त नज़र है और जो भी इस तरीके के अपराध में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर जो गिरफ्तारी हुई है, क्या अकेले था या इसके भी ये अकेले था और बाकी चीज़ों के संबंध में विवेचना की जा रही है। आगे जो भी और अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल होना पाएगा तो उसके व्यक्ति की कार्रवाई की जाएगी।